कर रहे हैं पुणे से मुंबई के बीच वाला घाट, एंड बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं बैठा हूँ मेरी में, और आज का जर्नी है दिल्ली तक, जो कि मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रेन में है। मैं कभी बैठा नहीं ऐसा। सेंट्रल रेलवे की राजधानी वेरी एग्रेसिव ट्रेन, बहुत ओवरटेक्स करती है दूसरी राजधानी को भी उड़ा देती है, एंड बहुत अच्छा जर्नी चल रहा है फिलहाल। बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, बादल दिख रहे हैं। तो फिलहाल है CST रेलवे स्टेशन पे, CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। यहाँ पे जो रेल फैंस जैसे कि मैं फ़ोटोज़ नहीं खींचता हूँ, बट स्टिल कुछ लोगों की फ़ोटोज़ लगी हुई है, एंड यहाँ पे वो पॉड्स का वो खुला है, यहाँ पे भी वो पॉड्स खुल गए 419 ऑनवर्ड्स। एक पॉड का शायद 999 है, ये शायद 12 घंटे का होगा, हो सकता है। सिंगल पॉड्स, डबल पॉड्स, फैमिली पॉड्स पूछते हैं। चलो, छोटे छोटे से पॉड्स थे, 559 ऊपर का और नीचे का 783, बस सोने के लिए जगह थी, पर अच्छा था, एम्बियंस अच्छा था, वेटिंग रूम से बेटर रहेगा, ज़्यादा देर बैठना है तो सोना है तो, हाँ सोना है तो उसके लिए अच्छा है काफ़ी। एंट्री फी 10 रुपये पर आवर। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ तो बूफे वगैरह लगा है, ये वैसा निज़ामुद्दीन में अपन ने जो देखा था ना वैसा है, एंट्री फीस है वेटिंग लाउंज की। तो यहाँ ओपन में है प्लेटफॉर्म, 16, 17, 18 तिरंगे का इंजन खड़ा है सांतरागाछी का। अभी तक शायद हमारी गाड़ी आई नहीं है 18 पे, आएगी। राजधानी का खाना है यहाँ पे, खाना लोड हो रहा है, मतलब हर बोगी के सामने उतर रहा है। हमारी बोगी एकदम लास्ट में है जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ये किस्मत से हुआ है। मैं एकदम एंड में रहने वाले हैं हम लोग, और एंड में भी एक एक्स्ट्रा इंजन लगने वाला है पीछे, जिसकी वजह से एक पुश भी मिलेगा गाड़ी को, तो एक्सेलरेशन डबल होगा बेसिकली, 14,000 हॉर्स पावर। ये यहाँ पे आ गई है पुश पुल राजधानी 30550। थर्ड एनिवर्सरी, पता नहीं थर्ड एनिवर्सरी है कब, हो गई होगी। ये है हमारा डब्बा एकदम एंड में, मस्त। सीआर राजधानी का क्राउन लगा हुआ है, किंग है ये भी अपने रूट की। तो ये A5 एकदम पीछे है, और मैंने अभी देखा कि फर्स्ट एसी जो, मेरे को असल में फर्स्ट एसी से जाना था, लेकिन फर्स्ट एसी में वेटिंग हो गई थी, 10-15 दिन के पहले टिकट बुक की थी, और फिर अभी देख रहा हूँ तो करंट खुली है, तो फर्स्ट एसी में 3 सीट करंट में खुली है, पोपट हो गया। एनीवेज अब आइडिया लग गया है। यहाँ पे पीछे से WAP-7 है एक जो पुश करेगा, और आगे एक WAP-7 और लगा है जो पुल करेगा, तो टोटल 14,000 हॉर्स पावर रहेंगे इसमें। एक्सेलरेशन देखने में मज़ा आएगा, 15 मिनट है डिपार्चर में, बहुत एग्रेसिव रन है ऑब्वियसली इस गाड़ी का, तो देखते हैं अपन क्या क्या ले सकते हैं इसमें। चल दिए हैं हम, अभी से एक्सेलरेशन बहुत है, बट यहाँ तो स्पीड लिमिट लगेगी CST से। पापा बैठ के यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, पुराने पर्दे हैं लेकिन डब्बा भी पुराना लग रहा है मुझे थोड़ा। CST से कुछ 4 मिनट लेट निकले हैं, पूरी गाड़ी आगे है, पीछे बस एक जनरेटर कार है और इंजन है। ट्रम्प टावर्स हैं ये शायद, गोल्डन वाले, पीछे World 1। मुंबई हावड़ा मेल शंट हो रही है शायद,
आप ट्राई तो कीजिए. अरे दिखाइए, कर लीजिए ना ट्राई. आपको बस बताना है कि क्या चल रहा है आपको राजधानी में, कैसा लग रहा है, और मतलब इन जनरल आप जो शर्मा गए. काफी सारे मीठे आइटम दे दिए, बट हाँ बहुत सारे स्नैक्स है. वहां से आते टाइम भी इतने स्नैक्स थे दिल्ली से. सेम जब आए थे तो सर्विस घर चला गया, उसकी मिसेज की तबीयत खराब थी, वो चला गया. ओके डॉक्टर. कल्याण के आगे निकल गया मुंबई क्रॉस. पहला ओवरटेक एनटीटी सुल्तानपुर सुपरफास्ट का. मुझे इसका स्टेटस गलत दिखा रहा था, इसमें दिखा रहा था कि और आगे निकल चुकी है, वजह से मैं पूरी कैप्चर नहीं कर पाया. बट हाँ, स्लो स्पीड में ही कैप्चर हो रहा है. इसके अलावा मुंबई मनमाड़ पंचवटी का भी ओवरटेक था, बट मुंबई से ही राजधानी को आगे निकाल दिया तो वो ओवरटेक हुआ ही नहीं. हार्डी आ चुका है, लेट ही चल रहे हैं अभी तो फिलहाल हम. अब शायद आगे बढ़ेंगे. ब्यूटीफुल कसारा के घाट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. थोड़ा एडजस्टमेंट में बाकी का घाट नहीं ले पाया, बट क्या व्यू है. पीछे से धक्का लग रहा है. ये सारे बैंकर्स हैं, जो हेल्पर्स होते हैं ना, ये दो हेल्पर्स जा रहे हैं, इधर भी दो हेल्पर्स जा रहे हैं. ये लोग अपना, ये हेल्पर्स अपना ट्रेन को चढ़ा के वापस रिटर्न अकेले जाते हैं. ये दोनों भी जैसे हेल्पर्स हो गए, वो दोनों हेल्पर्स वापस जा रहे हैं. एंड जैसा कि मैंने बताया था, हमारी ट्रेन को हेल्पर्स की ज़रूरत नहीं है. तो अभी आ रहा है इगतपुरी. सेवाग्राम एक्सप्रेस का ओवरटेक यहाँ पे हो रहा है, सेकेंड ओवरटेक ऑफ द ट्रिप. पटना वास्को डा गामा एक्सप्रेस. एक्सेलरेट किया है वहाँ से निकल के. मेनली एक्सेलरेशन ही दिखाना था मुझे गाड़ी का, साथ में व्यू भी. ओहो हो, तीसरा ओवरटेक. मेन लाइन पे खड़े होते हैं जलगांव में, तो यहाँ से एक्सेलरेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ. होपफुली एक्सेलरेशन अच्छा होगा. आगे ग्रीन है एकदम. नहीं, रोक दिया, पॉपअप हो गया मेरा. दोबारा तो
मुझे तो एक्सेलरेशन पर स्टेशन ही खत्म हो गया। जबलपुर गरीब रथ आगे खड़ी है, होपफुली इसका ओवरटेक कैप्चर होगा। आपको भी दिखती होगी, चेन्नई राजधानी बाजू में खड़ी हुई है। मैं सोच रहा था नीचे जाके पानी भरूं, लेकिन 2 मिनट के अंदर ही ऑरेंज सिग्नल दे दिया है इसको। अलग लेवल पे है सीआर राजधानी। थोड़ा लेट हो गए हम लोग, 1-2 मिनट से लेट हैं, बाकी पूरा कवर कर लिया है, लेकिन तुरंत के तुरंत सिग्नल दे दिया है, ऑरेंज सिग्नल दे दिया है। ओवरटेकिंग चेन्नई रास्ता। अब इसका एक्सेलरेशन कैप्चर होगा। 20 का स्पीड लिमिट था तो अभी 20 पे चल रही थी, और कितना जल्दी स्पीड पकड़ती है वो देख लेते हैं। कौशल ओवरटेक